हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और कैसे आप सब? तो आज हम एक नई वीडियो में, आज मैं दिखाऊंगा आज मेरी हीरो हॉक, मैंने उसको मॉडिफाई किया है, तो कैसी लगती है और आप कैसे मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो आज सब बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, ये है मेरी हीरो हॉक। ये मैंने पूरी इसको मॉडिफाई की है, जैसे इसके रंग वगैरह, इसका पेडल, मैं सब कुछ एक एक डिटेल बताऊँगा इसकी, क्या क्या इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है। तो देख के बताना यार कैसी लग रही है। और चलने में ये रोड बाइक है, वैसे ये हीरो हॉक के नाम से आती है रोड बाइक, ज़्यादा महंगी नहीं है, पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी। यार ये साइकिल ना मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से बनाया है, कि मुझे जैसी चीज़ पसंद है मैंने वो चीज़ में कराई। आपको जैसा कुछ पसंद हो तो आप ऐसा करा सकते हो, तो वो अपने अपने ऊपर है। तो जैसे देखो इसके टायर देखो कितना पतला है इसका साइज़। ये रोड पर ना दौड़ने के लिए बहुत सही है, पर इसका ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार, थोड़ा मतलब जैसे रोड ऑफ रोड है ना तो उसको धीरे चलाना पड़ता है, नहीं तो उसके टायर में बल आ जाता है जल्दी से। वैसे जो सिंपल रोड है, रोड बाइक है, तो रोड के ऊपर ही चलेगी काफ़ी अच्छी। इसका ये जो मड गार्ड है हाफ़ करवा रखा है, मुझे जैसा पसंद है उस हिसाब से। और ये इसका हैंडल बार है, ये ऐसा ही आता है, इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, पर मैंने इस पर फॉर्म लगवा के इस पर टेपिंग कर रखी है ताकि मेरी ग्रिप अच्छी रहे। और मैंने आप इसको पूरी ब्लैक करी है। इसका जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम दिख रहा है इसको मैंने ग्लोसी ब्लैक किया है, और ये जो मड गार्ड है इनको ब्लैक किया है, मैट ब्लैक में। और मैंने इसकी सीट का भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा रोड लगवा रखा है, और देखो मैं अब यहाँ से इसका एक जुगाड़ कर रखा है क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा रोड आती नहीं है। ये मैं काट दूंगा, मैंने अभी बीच में छोड़ रखा है, कटने के बाद ना बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और बाकी अब इसके नीचे आते हैं, मैंने इस पर स्टिकर ट्रैक के लगवा रखे थे क्योंकि उस टाइम पर मुझे हीरो के ढंग से मिले नहीं और अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने अभी ट्रैक के लगवा दिए। इसका पीछे साइज भी ऐसा है, कुछ दिखने में ऐसी है। और सबसे बड़ा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखा है इसका, ये जिसका चक्का है ना, इसे चक्का कहते हैं हम, ये इसमें जो दांते दिख रहे हैं ये 42 दांतों का आता था, मैंने इसको 52 का करवा रखा है ताकि ये रोड पे और तेज़ दौड़ती है इसके कारण से ना, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। बाकी ये कुछ दिखने में स्टिकर के बाद, कलर के बाद ऐसी दिखती है, रोड पर काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ती है। ये चीज़ आप चेंज करवा लोगे तो इसमें बहुत स्पीड आ जाएगी। यार ये साइकिल ज़्यादा महंगी तो आती नहीं है, ये नॉर्मली आपको 8-9 हज़ार की मिल जाएगी, पर उसमें जो मिलेगी ना फिर सर कलर वलर, और जो इसके पीछे का जो अपने बैठने का होता है ना स्टैंड होता है वो मिलेगा, तो उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब इसके हम मैंने इसको मॉडिफाई किया, तो अब इसको देखो कैसी लग रही है, और उसको देखोगे ना, मैं इसकी फ़ोटो डालूंगा मैं इसको कैसी ली थी। ये मेरी तीसरी साइकिल है हीरो हॉक की, मैंने पहले दो बेच दी क्योंकि उनमें कुछ दिक्कत आती थी जब मैं चलाता था, और अब मैं इसको थोड़ा ढंग से रखता हूँ तो ये ढंग से चलती है। इसलिए इसको रखने के लिए ना थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि इसके टायर पतले हैं और सारी चीज़ें, पर चलने में ना यार बहुत अच्छी। मैं इसको लगातार 115 किलोमीटर चलाया है, कोई दिक्कत नहीं आई। इसी से ही मैंने रेस खेली थी 21 किलोमीटर की, और तब मैंने फिर इसमें चक्का चेंज करवाया था क्योंकि उसमें रेस में ना इतना इसको परफॉर्म करना चाहिए था कर नहीं पा रही थी, पर ये अब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आने वाली रेस में मैं इसी से ही खेलूँगा अभी थोड़े दिन बाद, तो तब उसकी वीडियो भी डाल दूँगा एक बार। पर देखने में बताओ यार, ये जब निकलती है ना रोड पे तो ऐसा कोई नहीं होता कि इसको नहीं देखे, इतनी प्यारी लगती है। और एक मैंने इसको ब्लैक करवा रखा है। और यार एक चीज़ बताऊँ आपको कि हमेशा है ना सीट ऊँची रखा करो और थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए नीचे, क्योंकि वो जो पोस्चर होता है ना वही बेस्ट होता है साइकिल चलाने के लिए और स्पीड के लिए, क्योंकि तुम्हारे पोस्चर ऊंचा होगा तो पैर पूरे खुलेंगे, तो उन पैर खुलते हैं तो वेट अच्छा लगता है। ये इसके ब्रेक हैं, ऐसे ही होते हैं ये। अब सोचूंगा कि इसमें मेरे को गियर एक बार गियर लगवाऊंगा, फिर बताता हूँ ये परफॉर्म कैसा करती है। अभी तक तो ये बेस्ट कर रही है, कलर में थोड़े मुझे इसका अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैंने चेंज करा दिया। मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने इसको पूरी मॉडिफाई किया है, सिंपल, ज़्यादा भी कुछ नहीं है इसमें, पर सिंपल है। पुरानी फ़ोटो भी डालूंगा कि कैसी लगती है वैसे और कैसी करी है मैंने, तो बताना आप एक बार कि कैसी लगी। अगर अच्छी लगे और मॉडिफिकेशन की वीडियो देखनी है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। राम राम।